हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ मैथ्स में फेल हो गए तो क्या करें, ठीक ना। कई बच्चों को डर लगता है मैथ्स में और कई लोग डर से फेल भी हो जाते हैं। अगर आप फेल हो जा रहे हैं, अभी तो फेल होने कोई चांस नहीं है, अभी आप पेपर दे के आए हैं। अगर ऐसा लग रहा है आपको फेल हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए करना क्या है, कैसे पास करें, मैथ्स का कंपार्टमेंट होता है या नहीं होता है, बाद में नौकरी में आएगी दिक्कत, 1 साल बर्बाद नहीं होगा, आप पास भी हो जाओगे। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप मैथ में फेल हो जाते हैं, बाकी 5 सब्जेक्ट में पास हैं, तो आपको मैथ का एक कंपार्टमेंट फॉर्म भरना पड़ता है। और कंपार्टमेंट फॉर्म भरने के बाद उसका एग्जाम होता है, जो कि इस पेपर से काफ़ी सरल होता है। थोड़ा सा मेहनत करके आप उसको पास कर जाएंगे, ठीक है ना, कंपार्टमेंट एग्जाम। अच्छा, बाद में नौकरी में दिक्कत, हाँ, अगर अभी इसको नहीं सही कर लोगे तो बाद में 10th क्लास की जब मार्कशीट मांगेंगे उसमें मैथ में फेल लिखा रहेगा तो आपको दिक्कत आएगी। और ये कंपार्टमेंट फॉर्म जो होता है, ये एग्जाम्स के बाद, जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके बाद ऐलान किया जाएगा रिजल्ट आने के बाद। तो चैनल पर बने रहेंगे तो हम आपको बता देंगे, जैसे कंपार्टमेंट फॉर्म आएगा मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कंपार्टमेंट फॉर्म भरेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम करा लिया जाता है। आप जहां से भी है आपको जिले पे एग्जाम होगा, और एग्जाम एकदम सरल होता है। लगभग ये GGIC या GIC होता है, माने गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में होता है, ठीक ना। तो 1 साल बर्बाद नहीं होगा, आप पास हो सकते हैं, एकदम टेंशन फ्री रहिए, मुक्त रहिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करें।